महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। बलराज कुंडू अब हरियाणा जनसेवक पार्टी के जरिए पूरे हरियाणा की सियासत करते हुए नजर आएंगे। बलराज कुंडू बड़ी हसरतों के साथ 2024 के चुनावी दंगल में उतरेंगे और अपनी पार्टी को डिसाइडिंग फैक्टर बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या बलराज कुंडू अगले 11 महीनों में दुष्यंत चौटाला की तरह किंग मेकर साबित होंगे या हरियाणा की सियासत में सुंडू साबित होंगे। बलराज कुंडू के सामने दोनों ही संभावनाएं मौजूद हैं। बलराज कुंडू 11 महीनों में दुष्यंत चौटाला की तरह करिश्मा करके 2024 के चुनाव में किंग मेकर भी बन सकते हैं और बलराज कुंडू 2024 के चुनाव में सियासी तौर पर फ्लॉप होकर अपनी पार्टी को खस्ता हाल भी बना सकते हैं। बलराज कुंडू के लिए रास्ता आसान नहीं है। दुष्यंत चौटाला और बलराज कुंडू में बहुत बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। जहां पर दुष्यंत चौटाला के साथ में अपने परिवार की पार्टी के 90% वोटर और सपोर्टर आ खड़े हुए थे और जज्बात और इमोशनल बैकग्राउंड के बेस पर दुष्यंत चौटाला ने 11 महीनों में ही पार्टी को किंग मेकर बना दिया था और वो डिप्टी सीएम बन गए थे। लेकिन बलराज कुंडू के लिए ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आता है। उनकी पार्टी के रास्ते में पहाड़ जैसी चुनौतियाँ हैं। बलराज कुंडू का करिश्मा महम से बाहर कहीं नहीं है, यानी वो प्रदेश स्तर के नेता नहीं है। उन्हें महम से बाहर जमीन तलाशने में भी मुश्किलें आएंगी। और सच्चाई तो यह है कि खुद महम के अंदर भी बलराज कुंडू कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के रहमो करम पर पास या फेल होंगे। यानी महम में भी बलराज कुंडू को MLA बनाने में सबसे अहम भूमिका भूपेंद्र हुड्डा की रहेगी। 2019 के चुनाव में भी बलराज कुंडू इसीलिए MLA बन पाए थे क्योंकि हुड्डा परिवार को डांगी की रड़क निकालनी थी और उनके हराने के चक्कर में बलराज कुंडू को जितवा दिया गया। अब 2024 के चुनाव में बलराज कुंडू अपनी नई पार्टी बना चुके हैं और ऐसे में उनके सामने पहली परीक्षा महम की होगी। डर इस बात का भी है कि बलराज कुंडू की किस्ती कहीं बाहर निकलने से पहले महम में ही ना डूब जाए। बलराज कुंडू के पास पैसे बहुत हैं। उन्होंने पिछले 4 साल के दौरान एक विपक्ष के नेता के तौर पर जनता की आवाज़ बनने की भी पूरी कोशिश की है। बलराज कुंडू ने पूरे प्रदेश का नेता बनाने के लिए पूरे प्रदेश की यात्रा भी निकाली थी, लेकिन इसके बावजूद बलराज कुंडू वो क्रेज पैदा नहीं कर पाए जिसके आधार पर जनता उन्हें पूरे प्रदेश का नेता मानकर उन्हें 2024 के चुनाव में सत्ता के दावेदारों में शामिल कर सके। बलराज कुंडू ने अपने पार्टी के लॉन्च के समय ये साफ तौर पर कह दिया कि वो अच्छे प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे, चाहे उनके पास 2 प्रत्याशी आए, चाहे 20 आए, चाहे 50 आए और चाहे 90 आए। यानी बलराज कुंडू को अपनी सीमाएं तो अच्छी तरह से पता हैं और वो दमदार प्रत्याशियों के बलबूते पर ही अगली सियासत करने का काम करेंगे, यानी 2024 का चुनावी दंगल लड़ने का काम करेंगे। बलराज कुंडू को मजबूत प्रत्याशियों की तलाश होगी। वो कांग्रेस में मचे घमासान के बीच में वहां पर लगी हुई प्रत्याशियों के भीड़ में से कुछ अच्छे चेहरे अपने पाले में आने की उम्मीद करेंगे। उन्हें भी लगता है कि जिस तरह से 2019 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला के पास 5-6 मजबूत प्रत्याशी आ गए थे और वो विधायक बनकर दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बनाने की अहम भूमिका निभा गए, इसी तरह उनकी किस्मत में भी कहीं ना कहीं राजयोग प्रबल होगा और वो ऐसे ही प्रत्याशियों के बलबूते पर 2024 के चुनाव में किंग मेकर जरूर बनेंगे। ऐसी ख्वाहिश रखना जायज भी है। एक पॉलिटिकल नेता के तौर पर बड़े लक्ष्य रखना, बड़ी शख्सियतों के साथ में अपना जुड़ाव रखना और सत्ता में हिस्सेदारी हासिल करना कोई बुरी बात नहीं है। बलराज कुंडू सब नेताओं से अलग चल रहे हैं। उन्होंने BJP के साथ तालमेल और मलाई की पॉलिटिक्स करने की बजाय उन्होंने विरोध की पॉलिटिक्स को अपनाने का काम किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या अपनी नई पार्टी यानी हरियाणा जनसेवक पार्टी के मंच के नीचे क्या वो हरियाणा की सत्ता में और सियासत में बड़ा बदलाव लाने में सफल हो पाएंगे। उनके आसार, उनके लिए चांसेस, उनके लिए चुनौतियां सभी की सभी काफ़ी मुश्किल हैं, क्योंकि ना तो उनका बैकग्राउंड साथ देता है, ना ही उनकी इमेज साथ देती है और ना ही उनका जन आधार इतना बड़ा है कि पार्टी को पूरे प्रदेश के लेवल पर कामयाब करने का काम कर पाए। वो टुकड़ों में ऐसे प्रत्याशियों की तलाश करेंगे जो उन्हें अपने बलबूते पर, अपने नाम पर, अपने वोट बैंक के बलबूते पर उनकी पार्टी का सिंबल लेकर लड़ सकें और विधायक बनकर JJP की तरह भाजपा को भी एक किंग मेकर पार्टी के तौर पर बदल सकें। बलराज कुंडू के लिए फिलहाल महम से बाहर शून्य ही नजर आता है, क्योंकि उनके मंच पर आज की तारीख में ना कोई MLA है, ना कोई मंत्री है और ना ही कोई संसद सदस्य है। वो लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ 2024 की विधानसभा है।
बलराज कुंडू बिल्कुल सधे हुए तरीके से अपनी पार्टी को आगे ले जाने का काम करेंगे, लेकिन सियासत के अंदर परिणाम ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल जैसे दिग्गज नेताओं की पार्टियां भी संघर्ष के बाद हार मान गई और उन्हें कांग्रेस के अंदर वापसी करनी पड़ी। ऐसे में बलराज कुंडू की पार्टी के लिए भी रास्ता किसी सूरत में आसान नहीं है। बलराज कुंडू के लिए कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी के बराबर पहुंचना फिलहाल एक बड़ा सपना है और सपने को हासिल करने के लिए उन्हें करिश्मे की जरूरत होगी। बलराज कुंडू अभी तक बिजनेसमैन के तौर पर सफल रहे, वो जिला परिषद का अध्यक्ष बनकर सफल रहे और पहले प्रयास में एमएलए बनकर भी वो बड़ी सफलता हासिल कर पाए, लेकिन चौथी बड़ी सफलता के लिए उन्हें किसी बड़े करिश्मे की जरूरत होगी, क्योंकि एक पार्टी बनाना तो हिंदुस्तान में सबसे आसान काम है, लेकिन पार्टी को सफल बनाना सबसे मुश्किल काम है। आज़ादी के बाद हरियाणा के अंदर लगभग 3 दर्जन पार्टियां बन चुकी हैं और उनमें से अधिकांश बड़े बड़े चेहरे वाली पार्टियां थी, लेकिन उनमें से सिर्फ देवीलाल की पार्टियों के अलावा कोई भी पार्टी जम नहीं पाई, यानी लंबे समय तक टिक नहीं पाई। यही खतरा कहीं ना कहीं बलराज कुंडू के सामने भी है। हरियाणा के देहात में सुंडू नाम का एक करेक्टर काफ़ी फेमस है, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन परिणाम के तौर पर वो ठुस हो जाता है। तो सवाल ये भी है कि क्या बलराज कुंडू हरियाणा की सियासत के सुंडू साबित होंगे? क्या वो बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे लेकिन सियासत के पिच पर वो पहले ही गेम में बोर्ड आउट हो जाएंगे? बलराज कुंडू के लिए ऐसा होने का खतरा भी मौजूद है, क्योंकि उनके पास 11 लोगों की टीम भी नहीं है, उनके पास 11 मजबूत चेहरे भी नहीं हैं। वो सिर्फ अकेले ही बल्लेबाज हैं, अकेले ही गेंदबाज हैं और अकेले ही फील्डर हैं। ऐसे में जनता अंपायर के तौर पर उनके खेल को देखने का काम करेगी। बलराज कुंडू का नाम और करिश्मा इतना बड़ा नहीं है कि उनकी पार्टी के साथ बड़े बड़े चेहरे बिना भविष्य देखे शामिल हो जाएं। बलराज कुंडू को अपनी पार्टी में बड़े चेहरों को शामिल करने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी, पूरा जोर लगाना होगा, लेकिन बलराज कुंडू की पार्टी के लिए नेताओं को बड़े लेवल पर शामिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी पार्टी में आने का नंबर 5वां है। उससे पहले कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी भी खड़ी हैं। इस मायने में उनकी पार्टी का नंबर 6 है। कायदे से बीएसपी का वोट बैंक भी बलराज कुंडू की पार्टी से ज़्यादा है। ऐसे में 7वें नंबर की पार्टी में कौन पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री शामिल होना चाहेगा? जाहिर सी बात है, हरियाणा के सभी नेताओं के लिए जब पहले 6 विकल्प मौजूद हैं, ऐसे में वो 7वें विकल्प को क्यों लेगा? वो भी इसलिए नहीं लेगा क्योंकि बलराज कुंडू की पार्टी का जनाधार हरियाणा में महम से बाहर कहीं नहीं है। ऐसे में बलराज कुंडू को अपनी पार्टी को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करना होगा और उन्हें कुछ ऐसा करिश्मा करके दिखाना होगा जिसके बलबूते पर हरियाणा की जनता उन्हें विकल्प के तौर पर स्वीकार सके। लेकिन बलराज कुंडू के लिए समय कम है, चुनौतियां ज़्यादा हैं और लक्ष्य बड़ा है, इसलिए बलराज कुंडू की हरियाणा जनसेवक पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलों की कांटों की भरमार है और उनका रास्ता किसी भी तरह से आसान नहीं है। बलराज कुंडू ने बड़े जज्बात के साथ पार्टी बनाई है और हम उनकी पार्टी की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बलराज कुंडू के लिए रास्ता किसी भी तरह से आसान नहीं है। हरियाणा जनसेवक पार्टी के सामने चुनौतियों की भरमार है। उनके पास पूरे हरियाणा में ना तो कोई कैडर है, ना ही उनके पास नेता हैं। ऐसे में 1 नवंबर को होने वाली उनकी जींद की रैली पर सबकी निगाह रहेगी। बलराज कुंडू ने ये ऐलान किया है कि 1 नवंबर की जींद की रैली रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। उस रैली के साथ ही हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर होगा। अब देखने की बात है कि बलराज कुंडू जींद की रैली के जरिए कितना बड़ा सियासी उलटफेर करने का काम करते हैं। यह सच्चाई भी है कि जींद की सरजमीने हमेशा हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। हरियाणा में जो भी हवा बनी है उनमें से 90% हवा हमेशा जींद से निकली है, यानी जींद की सरजमीन ही किसी नेता को पास या फेल करती है। जींद की धरती ने भूपेंद्र हुड्डा को 2009 में फेल कर दिया और उसके बाद आज तक उनके पैर नहीं टिके हैं। इस जींद की धरती ने ही कभी चौधरी देवीलाल तो कभी चौधरी बंसीलाल को कामयाबी की शुरुआत दिलवाई थी। उसी तरह भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी कंडेला से दिल्ली की यात्रा ने उन्हें सत्ता का सरताज बनाने का काम किया था। इसी जींद की सरजमी ने दुष्यंत चौटाला को भी भरपूर जनसमर्थन देकर उन्हें डिप्टी सीएम तक पहुंचाने का काम किया है। अब बारी और फैसला बलराज कुंडू की पार्टी को लेकर है।
एक नवंबर का सबको इंतजार रहेगा और इंतजार इस बात का रहेगा कि बलराज कुंडू एक नवंबर को जींद में कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हैं, कितने हजारों लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठा करते हैं और हरियाणा की जनता के लिए कितना बड़ा सियासी संदेश देने का काम करते हैं। इस बात पर भी नजर रहेगी बलराज कुंडू के पार्टी के मंच पर उस दिन कौन कौन से बड़े नेता मौजूद होंगे। हरियाणा की सियासत के लिए बलराज कुंडू की पार्टी एक नया ऑप्शन है। उस ऑप्शन को खड़ा करने में, उस ऑप्शन को खड़ा साबित करने में बलराज कुंडू को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बलराज कुंडू की पार्टी की सियासी भविष्य को जानने के लिए, बलराज कुंडू की एक नवंबर की जींद रैली को जानने के लिए, बलराज कुंडू के भविष्य को मापने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।